हेलो दोस्त, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल। तो वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग वीडियो हैशटैग ऋतु में। आज मैं आप लोग के साथ होली स्पेशल में आज मैं गुलाब जामुन बनाना जा रही हूँ। देखिए, मैंने गुलाब जामुन पैकेट ले लिया है। इसको मैं थोड़े थोड़े दूध के साथ में इसको हम ज़्यादा मतलब टाइट ही उसको गूंदेंगे अपने उंगलियों से, आटे की तरह नहीं, उंगलियों से हम मिलाएंगे और एकदम हार्ड कचौरी के जैसे हार्ड उसके आटा करके बना के और हम उसको रख देंगे थोड़ी देर तक। तब तक हम उसके लिए चाशनी कर देंगे। इस बॉल से हम एक कटोरे चीनी ले लेंगे और उसी कटोरे से एक कटोरे पानी लेके हम उसको चाशनी के लिए उसे बैठा देंगे। जब तक चाशनी में थोड़ा सा हम इलायची डाल देंगे कि उसका कलर और स्वाद बना रहे, अच्छा स्मेल आता है। तो ये चाशनी बन रहा है, होली में बनाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, हम इसके थोड़ा सा फिर मिला लेंगे, फिर इसके थोड़ा सा घी या रिफाइंड के सहारे हम थोड़ा सा, क्योंकि हाथ में चिपकेगा तो इसको हम उसके सहारे हम गोल गोल या कोई भी शेप आप बना सकते हैं, गोल लंबा जैसा बनाना हो जिस तरह का आप बना लो, जितने छोटे बड़े जैसे करने हैं वैसे आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने तो ये बना रही हूँ। ये सारे बना के मैं रख लूँगी, तब तक चाशनी भी साइड में बन रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग के सामने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। ये देखिए, कढ़ाई में तेल मैंने डाल दिया, ये अच्छे से हाई फ्लेम पे इसको गरम कर ले, फिर इसको डाल ले समय उसको मीडियम और स्लो पे ही कम से कम 10 से 15 मिनट, जब तक धीमी आंच पे ही उसको हम पकाएंगे और जब तक एकदम डीप ब्राउन रेडिश ना हो जाए तब तक हम निकालेंगे। तेज आंच पे कभी नहीं गुलाब जामुन को बनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऊपर ऊपर तो पक जाता है पर नीचे एकदम ऐसे कच्चा रह जाएगा और आपका जो सिरप है शुगर सिरप वो सोख नहीं पाएगा और वो अंदर हार्ड ही रह जाएगा। इसे हम धीमी आँच पर गोल्डन ब्राउन रेडिश होने तक हम उसको फ्राई करेंगे। देखिए, मैं जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग मेरे तरीके से एक बार बना के देखना, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाएगा। देखिए, मैं सारे बना के मैं निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, एकदम ऐसे ही बनाइएगा धीमी आंच पे। ये देखिए, मैंने बना दिया ये सबसे अच्छा। थैंक यू फ्रेंड्स।